अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में बहुत खुश होंगे। तो आज हमने करना है एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 और क्लास 9th का हम कोर्स पढ़ रहे हैं जी, 9th क्लास। तो अब हमने क्वेश्चन नंबर 5 में फाइंड क्या करना है, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो आपके पास ये जितने भी पार्ट्स गिवन हैं ए बी सी डी ई एफ, इन सब के आपने क्या फाइंड करने हैं, ट्रांसपोज। ठीक है, तो ट्रांसपोज किस तरीके से फाइंड करते हैं, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। व्हाट इज ट्रांसपोज ओवर मैट्रिक्स, पेज नंबर 5 पर डेफिनेशन है, अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द रोज इनटू कॉलम्स। ठीक है, अब एक मैट्रिक्स की रोज को अगर आप कॉलम्स में चेंज कर दें और या कॉलम इनटू रोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड द ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स। तो डेफिनेशन क्या है हमारे पास, अगर आपके पास ये मैट्रिक्स इस तरीके से हासिल होता है कि अगर आप चेंज कर दें रोज को कॉलम्स में या कॉलम्स को रोज में चेंज कर दें, तो आपके पास मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आ जाता है। इफ़ ए इज अ मैट्रिक्स देन इट्स ट्रांसपोज इज डिनोटेड बाय ए टी। तो अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स ए हो तो इसका ट्रांसपोज को डिनोट करते हैं आप ए टी के साथ, स्मॉल टी आप ए के ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और आपको क्लियर हो जाएगी इसकी डेफिनेशन भी, कि इस डेफिनेशन में क्या कहा जा रहा है। जी स्टूडेंट्स, तो हम क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिसेस। तो अगर हम एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, जैसे ए पार्ट क्या दिया हुआ है, ए आपके पास है 0, 1 एंड -2। ए आपके पास ये मैट्रिक्स गिवन है, अगर आपने इसका ट्रांसपोज फाइंड करना हो तो आप किस तरीके से करेंगे, आप ए के ऊपर छोटा सा टी लिखेंगे जो ये डिनोट करेगा कि आप ट्रांसपोज फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अब इसकी रोज़ को कॉलम्स में आपने चेंज कर देना है या कॉलम्स को रोज़ में चेंज कर देना है। अब आपके पास दो तरीके हैं, आप दोनों में से कोई एक फॉलो कर सकते हैं। अगर आप इसकी ये रो ले लेते हैं, ठीक है, रो क्या होती है, हॉरिजॉन्टल वे में ये आपके पास जो एंट्रीज होती हैं आप उन्हें रो कहते हैं। तो आपके पास एक रो, एक ये रो है, एक ये है, एक ये है, हर रो में एक एक एंट्री दी हुई है। ठीक है, तो आप किस तरीके से इसे लिख सकते हैं, अगर आपने इस रो को कॉलम में चेंज करना हो तो आप लिखेंगे 0। इस रो को, सेकंड रो को आपने सेकंड कॉलम में चेंज करना है तो वो इस पोजीशन पे लिखा जाएगा 1। एंड -2 को अगर आपने थर्ड कॉलम में, सॉरी ये थर्ड रो है आपके पास तो आप इसे थर्ड कॉलम में लिखेंगे तो इसकी थर्ड पोजीशन पर ये लिखा जाएगा। या आप ये भी कह सकते हैं कि कॉलम को रोज में चेंज कर लें, दोनों में से कोई एक तरीका आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं, बी वाला। तो बी पार्ट हमारे पास क्या दिया हुआ है, 5, 1 एंड -6। तो बी ट्रांसपोज हमारे पास क्या आएगा, अब देखिए ये 1 रो है, कॉलम इसके 3 है लेकिन इसकी रो 1 है। तो अगर हम इस फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखते हैं तो इसका हम ट्रांसपोज फाइंड कर चुके हैं। तो अगर आप यहाँ पर एक बात देखें कि हम जो ट्रांसपोज फाइंड कर रहे हैं उससे क्या हो रहा है कि मैट्रिसेस के ऑर्डर भी चेंज हो रहे हैं। ठीक है, अब इसमें 3 रोज थी और एक कॉलम था, इसका ऑर्डर 3 by 1 था या 3 x 1 था, आप इसको 3 by 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, जबकि आपने जब इसका ट्रांसपोज फाइंड किया तो आपके पास इसका ऑर्डर क्या आ गया, कितनी रोज बन गई, 1 row and 3 columns। तो इसका ऑर्डर बन गया 1 by 3। इसका यह मतलब है कि ऑर्डर इनके अब इन्वर्स बन गए, यानी कि ऑर्डर चेंज हो गए बिल्कुल ही। ठीक है, जो रोज़ थी वो कॉलम्स बन गई हैं, जो कॉलम्स थी वो रोज़ बन गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम पार्ट करेंगे सी वाला। तो सी हमारे पास क्या है, 1, 2, 3, 2, -1 एंड 0। तो अगर हम इसका ट्रांसपोज लें तो वो क्या आएगा, सी ट्रांसपोज। तो इसकी जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, सेकेंड रो इज सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। डन हो गया, समझ आ रही है आपको क्वेश्चन की। ठीक है, इसके बाद नीचे डी वाला अगर हम देखें तो डी क्या होगा हमारे पास, 2, 0, 3 एंड 5। तो अगर हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट रो को आप फर्स्ट कॉलम में चेंज कर दें एंड सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में चेंज कर दें। इसके बाद ई मैट्रिक्स क्या है, ई मैट्रिक्स हम लिख लेते हैं 2, 3, -4 एंड 5।
तो इसके साथ ही हम एफ वाला पार्ट भी लिख लेते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4, तो अब हम इनके ट्रांसपोज ले लेते हैं। ई ट्रांसपोज क्या आएगा हमारे पास, ई ट्रांसपोज इज इक्वल टू, इस फर्स्ट रो को आप फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे, ठीक है, एंड देन -4 एंड 5, ठीक है। तो अगर आप एफ ट्रांसपोज ले लें तो वो क्या आएगा, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में चेंज होगी और सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में चेंज होगी। अगर आपको इस तरीके से क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा तो आप एक और भी तरीका देख सकते हैं कि आप कॉलम को रोज में चेंज कर दें, ठीक है। तो सेम ही स्टेप्स हम फॉलो कर रहे हैं। ये हो गया ट्रांसपोज वाला क्वेश्चन, ठीक है जी। स्टूडेंट्स कैसी लगी आपको वीडियो, और अगर आपको क्वेश्चन समझ आ गए हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं अब आपके पास आऊँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।